गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आप सबका सिटी स्काईलाइन की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गाइस देखो यहाँ पे मस्त अपने लिए कुछ छोटी सी सिटी बनाई थी और यहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं फटाफट इसको प्ले कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्डिंग ही बन रही थी, फटाफट से इसको बिल्डिंगों को यहाँ पे बनने देते हैं। अपना अपना यहाँ पे लोग अपना शॉप खोलेंगे, मतलब दो कंपनियां खोलेंगे जहाँ पे लोगों को, देखो यहाँ पे लोग गाड़ी आने भी लग गई, जाने भी लग गई, लोग यहाँ पे जॉब के लिए भी शायद यहाँ से जाने लग गए हैं। तो अब यहाँ देखते हैं और इन लोगों को काफी समस्या हो रही है। क्या समस्या आ रही है भाई? गार्बेज की समस्या हो रही है। ओके, मतलब इनको कूड़ादान के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अनलॉक हुआ होगा, देखना पड़ेगा हमें। ओ ये रहा गार्बेज। तो हम यहाँ पे गार्बेज मतलब जहाँ पे ये लोग जो रहते हैं इन लोगों के लिए यहाँ पे कूड़ा कूड़ा डालने। देखो गाइस यहाँ पे भी एक मस्त सा घर सा बनने लग गया। इसकी एनिमेशन देखते हैं एकदम पास से जाके, क्या मस्त एनिमेशन देखते हैं, कितना बड़ा घर बनाएगा ये बंदा हमारा का। और ये काफ़ी बढ़िया, ओहो मस्त, एकदम परफेक्ट एनिमेशन आती है, एकदम बढ़िया। और ये यहाँ पे इस बंदे का घर एकदम बन के तैयार भी हो चुका है गाइस, और किसी ने ट्वीट भी कर दिया यहाँ पे। ओ यहाँ पे शॉप्स बन गई, एक मस्त सी दुकान है यहाँ पे बनी है। चलो तो एक दुकान और बन गई यहाँ पे। चलो पहले हाँ इनकी समस्या दूर करनी है, पहले हमें इनकी समस्या दूर करनी गार्बेज की। तो गार्बेज यहाँ से देखो ये मेरी सिटी है, तो यहाँ सिटी के पास तो हमारा कूड़ादान नहीं होना चाहिए, तो कूड़ादान हम बनाएंगे थोड़ा दूर। तो दूर बनाने के लिए देखो यहाँ पे एरिया बड़ा है काफी, यहाँ पे हमारी जो है मस्त सी सिटी बनेगी। और उसके बाद हमें गार्बेज के लिए गार्बेज कलेक्शन, हाँ एक काम करते हैं गार्बेज यहाँ बनाते हैं, पर यहाँ से काफी दूर हो जाएगा रेसिडेंशियल एरिया में जाने के लिए। तो एक काम करते हैं गार्बेज का में जो है, हाँ इधर के एरिया में कहीं गार्बेज का बनाते हैं कलेक्शन, जो गार्बेज करे मतलब गार्बेज यहाँ कूड़ादान वगैरह लेने आए इन लोगों के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, और इनको क्या हो गया और ये बीमार भी पड़ने लग गए, तो यहाँ पे इनके लिए हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इनके लिए गार्बेज फिर इनके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं। तो गार्बेज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रोड ले जाता हूँ यहाँ से, यहाँ से एकदम सीधी रोड लेके आते हैं, काफ़ी दूर तक लेके आऊँगा मैं यहाँ। ये के बाद यहाँ पे रोड आ जाएगी, रोड आने के बाद यहाँ पे गार्बेज का कलेक्शन का एरिया देखो यहाँ बनाएंगे। तो ये रहा हमारा गार्बेज कलेक्शन एरिया, और ये यहाँ पे लगाएंगे हम इसको, इसको लगा देते हैं गाइस देखो हम यहाँ पे, क्योंकि सिटी से काफ़ी दूर भी है ये, तो लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। और इसको ये यहाँ लगा देंगे हम। तो चलो एक समस्या हो गई दूर गार्बेज की। तो यहाँ से ट्रक जो है फटाफट से जाया करेगा यहाँ पे जो है सिटियों में, और जो भी है यहाँ पे सब कुछ लोगों का कूड़ा वूड़ा हटा देगा। और यहाँ पे लोग अब बीमार भी पड़ने लगे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है काफ़ी लोग जो है बीमार भी पड़ने लग गए। तो यहाँ पे है हमारा हेल्थ केयर अभी है यहाँ पे, तो फटाफट से हेल्थ केयर, कितने लोग बीमार हो गए, 20 लोग बीमार हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं हेल्थ केयर को ये लो, और हेल्थ केयर की कैपेसिटी है हमारे यहाँ पे 100, और हमारे लोग यहाँ पे 22 ही बीमार पड़े हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी लोगों की समस्या जो है दूर हो जाएगी मेरे ख्याल से, जब दूर हो जाएगी इन लोगों की समस्या। और ये हेल्थ केयर काफ़ी बढ़िया, क्लिनिक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओ ये मस्त एम्बुलेंस निकल गई, कहाँ जाती है देखते हैं एम्बुलेंस कहाँ जा रही है, सबसे पहले कहाँ जाएगी। तो चलो 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 यहाँ पे गई है, अरे कहाँ चली गई एम्बुलेंस, हाँ ये जा रही है गाइस देखो एम्बुलेंस ये रही, हाँ चलो चाहो चलो इसके घर में गई है। ओके यहाँ पे गई है, और उसके बाद उस बंदे को ले, ओ कितनी सारी एम्बुलेंस आ गई यहाँ, हाँ इसको भी लेके जाओ, ये भी काफ़ी बीमार पड़ा हुआ है। चलो चलो सारे लोगों को ठीक करो फटाफट से, हमारी सिटी वाले बंदों को सब कुछ सही करो। और यहाँ पे सारे लोग, ओ इनको बिजली मिलना बंद हो गई, क्या हो गया बिजली को, 14 वाट की कैपेसिटी है, और नहीं कंज्यूमर अभी 10 लोग हैं और 14 वाट की कैपेसिटी, और इन लोगों को बिजली मिलना बंद हो गई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई बात नहीं तुम लोगों को भी बिजली हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे बिजली इन लोगों के लिए हम आएंगे। तो लास्ट हमारा जो है पावर की लाइन कहाँ तक आई है, यहाँ पे है हमारी पावर लाइन, ये रही मेरी इलेक्ट्रिसिटी, और आप लोगों को बिजली मिलना बंद हो गई। तो यहाँ से यहाँ पे रोड है, ये लो यहाँ से ये आ गई तुम्हारी पावर की, और ये यहाँ पे लो कनेक्ट कर दिया हमने, अब इन लोगों को बिजली मिलती रहेगी। चलो देखते हैं इन लोगों की समस्या दूर होती है कि नहीं होती है। ओ इन लोगों को नहीं मिल रही बिजली, चलो चलो ओके ओके, यहाँ पे इधर के एरिया में बिजली नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ओह काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है बिजली की, अरे अभी मिल जाएगी टेंशन मतलब दोस्तों, अभी बिजली तुम लोगों को सबको प्रोवाइड करी जाएगी। तो बिजली के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी कैपेसिटी हो गई, एक काम करते हैं इन लोगों को फटाफट से बढ़िया सी बिजली देते हैं। तो ये रही हमारी बिजली की लाइन, और यहाँ से लेते हैं, और ये लास्ट लाइन है हमारी यहाँ पे,
लो तुम लोगों को बिजली की समस्या हो गई दूर, और यहाँ पे जो है इन लोगों का एरिया थोड़ा सा हट गया, कोई बात नहीं। इन लोगों की अभी बिजली की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है, चलो वो तो हो जाएगी धीरे धीरे, अभी लोगों को इन बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और इन लोगों को वर्कर ही नहीं मिल रहे, ओ यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड बढ़ रखी है रेसिडेंशियल एरिया की। तो फटाफट से हम थोड़ा पहले रेसिडेंशियल एरिया बनाते हैं, फिर इन लोगों को बिजली भी प्रोवाइड करेंगे और हमारी यहाँ कमाई भी हो रही है, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा। तो एक काम करते हैं फटाफट से, जब सुबह होती है तब उसके बाद हम जो है फटाफट से इस रेसिडेंशियल एरिया को बनाएंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ सुबह हो चुकी है और यहाँ से लोग जो है छोड़ के जाने लग गए। यहाँ पे देखो घर अबैंड होने लग गए क्योंकि इन लोगों को बिजली मिल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बिजली की पूरी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पूरी लाइन बिछा रखी है, इधर भी पूरी लाइन बिछा रखी है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन 14 वाट की हो रही है, यहाँ पे 9 उनकी कंज्यूमर है, फिर भी इन लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पता नहीं क्या हो रहा है। इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल रही है, और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी बिल्डिंगें बंद हो रही है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा, हो क्या रहा है। ओ यहाँ पे क्या है, न्यू बिल्डिंग अनलॉक हुई हमारी, ये है हमारा स्कूल है यहाँ पे हमारा, तो चलो स्कूल भी डेवलप करेंगे। तो पहले यहाँ पे लोग अबैंड हो गए हैं, तो इनको यहाँ से इनका घर हटा देते हैं ताकि यहाँ पे नए लोग आके रह सकें। तो हमारे को जरूरत है और एरिया की, तो यहाँ पे हम और एरिया बनाते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ना यहाँ पे मस्त सा एरिया एक काम करते हैं, इधर के एरिया में थोड़ा सा क्लीन करते हैं। यहाँ पे हम इधर के एरिया में मस्त से एक सिटी सी बनाते हैं हम, तो मतलब रेसिडेंशियल एरिया बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ से आएगी हमारी एक मेन रोड जो यहाँ पे कनेक्ट करती है, उसको ले बनाता हूँ फटाफट से। और ये रही हमारी रोड, पैसा हमारे पास अभी है काफी ठीक ठाक पैसा है, तो फटाफट से देखो यहाँ पे है वो रोड, और यहाँ से मैं काम करता हूँ, रोड को मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। पर यहाँ से तो मैं मेन हाईवे में सोच रहा हूँ, इस रोड से मेन हाईवे आए, तो इस रोड को मैं यहाँ से कनेक्ट करते हुए लेके आऊंगा। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और फिर इसको नहीं यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ से मैच करा देते हैं, और उसके बाद फटाफट से इन एरिया को यहाँ पे यहाँ से लेके ऐसे एक और रोड बनाते हैं फटाफट से। रोड बन जा भाई, और यहाँ पे एक और रोड, ये लो हो गई रोड। अब उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे, इस पे आएंगे और यहाँ पे लो भाई, यहाँ पे लोगों तुम लोग अपना मस्त सा घर बनाओ। ये सारा मैंने रेसिडेंशियल एरिया घोषित कर दिया, लो भाई घर बनाओ, आ जाओ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इनको पानी भी चाहिए होगा फिर, तो पानी की पाइपलाइन यहाँ पे है ही, इसको पानी की पाइपलाइन को मैं एक थोड़ा सा इधर कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, तो पानी की पाइपलाइन भी हो जाएगी पूरी पूरी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको रोड को हम यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ये कनेक्ट हो जाए। दोस्त कनेक्ट नहीं होता है मेरे से, एक तो एक ये दिक्कत करता है। चलो यहाँ से नहीं करते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद इसको ले जाते हैं इधर तक, और उसके बाद बिजली को इन दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्ट हो गया। हाँ बिजली कनेक्ट हो गई, और अब यहाँ पे इन लोगों को भी यहाँ पे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं ये लोग कब तक यहाँ पे आते हैं और कब तक इन लोगों का यहाँ पे मस्त सा घर बनेगा। तो गाइस देखो घर बनने भी लग गए, देखो मैंने कितनी जल्दी, ओहो डिमांड कम होने लग गई रेसिडेंशियल एरिया की, और डिमांड बढ़ रही है कमर्शियल जोन एरिया की। थोड़ा सा कमर्शियल जोन एरिया भी बनाएंगे हम यहीं पे, तो यहाँ पे बनाते हैं। देखो इस एरिया को मैं ना यहाँ पे जाएंगे, और इसको और इसको एरिया को हम कमर्शियल जोन घोषित कर देते हैं, तो बराबर बराबर हो जाएगी। इसको भी कमर्शियल जोन घोषित कर देते हैं, और बिजली की समस्या हो गई। अरे बिजली आ तो रही है तुम लोगों के पास, ये देखो कितनी सारी बिजली आ रही है। तो इन लोगों गाइस बिजली की समस्या मुझे लगता है धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अभी भी मुझे लग रहा है नहीं हुई कम। अच्छा यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही इन लोगों को, तो यहाँ पे एक काम करते हैं विंड टर्बाइन एक लगा देते हैं। तो ये हमारी विंड टर्बाइन, और ये लो अब ये भी चलने लग गई मस्त से। अब तो बिजली की समस्या दूर होनी चाहिए लोगों की। चलो गाइस फाइनली बिजली की समस्या भी दूर हो गई गाइस। तो गाइस फाइनली बिजली की यहाँ समस्या भी दूर हो गई, लोग यहाँ रहने भी अलग गए, और मस्त सा घर भी बन लग गया, और बारिश भी होने लग गई हमारे वर्ल्ड में। और तो देखते हैं कुछ चीजें जो है अनलॉक हुई थी। देखो यहाँ पे हुआ था गार्बेज, जो मैंने यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का बना दिया, काफी दूर बनाया वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज हुई थी हेल्थ केयर, मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर भी बना दिया है, हॉस्पिटल। और एक चीज और हुई है एजुकेशन, एजुकेशन का भी यहाँ पे। और गाइस हमारे पास कुछ 700 पीपल की पॉपुलेशन होने वाली है, और यहाँ पे फिर से बिल्डिंग अभी एंड होती जा रही है, कोई बात नहीं इनको भी अभी हटा देंगे फटाफट से। पहले तो यहाँ पे एक एजुकेशन का एरिया आ रखा है, तो उसको हम फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं। इनको कहाँ लगाएं हम एजुकेशन के लिए, कहाँ कहाँ पे कहाँ पे। ओ भाई साहब कितनी तेज बिजली गिर गई अभी, तो फटाफट से इसको एक काम करते हैं एजुकेशन एरिया को हम, नहीं यहाँ पे तो रोड आ रही है ना, यहाँ पे रोड आ रही है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मेन हाईवे बनाऊं। और यहाँ पे एक काम करते हैं स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे बना देते हैं एक जगह। ये लो भाई
स्कूल बना दिया मैंने, प्राइमरी स्कूल भी बन चुका है हमारा यहाँ पे। और अब मेरे पास जो है पैसे थोड़े कम हो गए, मतलब 5,531 यूरो है शायद ये। और पॉपुलेशन हमारी फिर से हो कितने सारे लोगों की डिमांडें बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है। और बारिश भी काफी तेज हो रही है। चलो सुबह हो चुकी है गाइस यहाँ पे हमारी फिर से। और अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे जो है बिल्डिंग अबैंड हो गई है उनको यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे ये वाली बिल्डिंग अबैंड हो गई है तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये भी अबैंड हो गई और ये भी, इन सारी बिल्डिंगों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे जो जो बिल्डिंग खराब हो गई थी, मतलब अबैंड हो गई थी, लोग यहाँ से चले गए थे और अपनी इंडस्ट्री छोड़ के, तो मैंने इन लोगों के यहाँ पे वो बिल्डिंग हटा दी। तो काफी जो है नई बिल्डिंग आ जाएंगी यहाँ पे और यहाँ पे लोग काफी मस्त रहने भी लग गए। और यहाँ पे रहने के बाद हमारी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई है। 702 लोग भी हो चुके हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से एक मस्त से एरिया बनाते हैं, काफी बड़ा एरिया बनाऊंगा मैं आपकी बार रेसिडेंशियल एरिया के लिए। और यहाँ पे कुछ नया आइटम, हाँ बिल्कुल बना रहे हैं अभी, हमें पता है डिमांड आ रही है, हमको पता चल गया। तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक एरिया बनाते हैं मस्त सा, तो ये रही रोड और यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसे लेके इसको थोड़ा क्या मैं टेढ़ा सा बनाऊंगा, मतलब लोगों को रहने के लिए मतलब मस्त इसी जगह बनी मिले ना। और यहाँ पे, और ये यहाँ से ऐसे रोड आ जाएगी यहाँ पे बिल्कुल, और मतलब टेढ़ी मेढ़ी रोड बनाऊंगा, एक बार सीधी नहीं बनाएंगे हम। और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, और ये पूरा एरिया मैं बना देता हूँ रेसिडेंशियल एरिया, मतलब सॉरी रेसिडेंशियल एरिया बोल रहा हूँ, हाँ रेसिडेंशियल एरिया ही तो बनाना है, इसकी तो डिमांड है ज्यादा। लो भाई आओ घर बनाओ यहाँ पे, ये लो सारा एरिया को मैं रेसिडेंशियल घोषित कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखो मस्त यहाँ पे लोगों के घर बनने चालू हो चुके हैं यहाँ पे, जितना एरिया बचा है रेसिडेंशियल के लिए इसको भी यहाँ पे रेसिडेंशियल, ये भी रेसिडेंशियल, और कहाँ रह गया, और यहाँ पे भी रेसिडेंशियल, और ये भी रेसिडेंशियल हो जाएगा। और मेन चाहिए हमें रोड, तो रोड यहाँ से ऐसे आएगी और ये, और यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक काम करते हैं कर्व वाली रोड लेते हैं, ये कर्व वाली रोड है, यहाँ से ऐसे कर्व आएगा, 90 डिग्री का कर्व लो भाई, कर्व भी नहीं हो रही। तो गाइस 700 लोगों की यहाँ पे हमारी जनसंख्या हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो है रेसिडेंशियल एरिया जो, तो काफी डिमांड अब कम हो चुकी है, बट यहाँ पे लोगों की डिमांड अभी भी बढ़ रही है काफी सारे। अभी इन लोगों को पानी भी चाहिए, तो मेरे पास अभी कैश नहीं है, बैंक में बहुत ही कम बैलेंस बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं पानी की सप्लाई तो आ ही जाएगी, ये लो पानी की सप्लाई। अच्छा हाँ इसके लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए, तो 600-800 पानी की सप्लाई के लिए। रुक जाओ अभी मैं थोड़ा टैक्स बढ़ाने आ रहा हूँ इन लोगों के लिए, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा टैक्स बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इनसे भी थोड़ा टैक्स वसूलते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। पैसा आने के बाद इन लोगों को हम पानी भी देंगे और इन लोगों को हम फिर बिजली भी देंगे। तो बिजली की तारें तो यहाँ से है, तो यहाँ से मैं सीधा यहाँ ले आऊंगा और इन लोगों के लिए यहाँ पे मस्त घर बन जाएगा। तो घर तो बनाने लग गए हैं लोग यहाँ पे, और इनकी भी पानी की समस्या भी फिर हम दूर करेंगे। तो अभी हमारे पास काफी सारा पैसा हो चुका है गाइस, तो सबसे पहले इनकी समस्या करेंगे पानी की दूर। तो ये लो भाई, ये लो तुम लोगों के लिए पानी आ गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ से कम हो गया क्या वैसे, 400 लो इधर एरिया में पानी, और लो तुम भी लो पानी, सबको मिल चुका है यहाँ पे। पानी की समस्या मुझे लगता है लगभग समाप्त हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, तो इतने एरिया में हमें चाहिए बिजली, तो बिजली के लिए हमें चाहिए फिर से यही वाली चीज, और यहाँ से बिजली के लिए हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे 600-700, और यहाँ पे इतना लाने के लिए हमें चाहिए कुछ $800, मतलब 800 यूरोस चाहिए। तो थोड़ा सा पैसा और आने देते हैं गाइस, तो उसके बाद फिर हम इन लोगों को भी बिजली भी देंगे। तो फटाफट से थोड़ा और पैसा आने देते हैं, तो इन लोगों को फिर हम बिजली भी देंगे, फिर यहाँ से हम फिर इन लोगों को बिजली भी मिलेगी, फिर पानी भी मिलेगा, और यहाँ पे लोग काफी सारे हो चुके हैं। और अब हमें चाहिए कमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल एरिया की डिमांड कम हो चुकी है और कमर्शियल जोन की डिमांड अभी बढ़ी हुई, तो इस एरिया को मुझे लगता है कमर्शियल जोन घोषित कर देता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे इसको क्लिक करो और ये एरिया पूरा बन जाएगा कमर्शियल जोन। यहाँ पे भी कमर्शियल जोन और उसके बाद को रेसिडेंशियल एरिया बना देते हैं, इसको भी रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे हमारी डिमांडें कम हो चुकी है। और एक नई चीज है हेल्थ, ओहो यहाँ पे लोग बीमार पड़ने लगे हैं, वो तो पड़ेंगे ही बीमार। इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए, काफी पैसा चाहिए इसके लिए। तो पहले इन लोगों की पानी की समस्या और बिजली की समस्या तो मैं दूर करूं। तो अभी शाम हो रही है, तो इन लोगों को मैं यहाँ बिजली दे सकता हूँ, मेरे पास काफी पैसा हो चुका है अभी। तो ये लो भाई,
बिजली की समस्या आप लोगों की होनी चाहिए अब दूर मुझे लगता है जहाँ तक, और पानी की समस्या यहाँ से लो, पानी की समस्या भी आपकी दूर, और इनकी समस्या है अभी पानी की क्योंकि ये काफी अलग ही घर बनाया है इन लोगों ने, और इनकी भी है काफी समस्या पानी की। लो भाई तुम लोगों का पानी का मामला साफ हो चुका है, पानी तुम लोगों को मिलेगा और बिजली तो मिल ही रही है अभी तो फिलहाल, हमारी बिजली की कैपेसिटी काफी है और लोग यहाँ मस्त घर बनाने लग गए हैं। और यहाँ पे इस लोग ये बीमार पड़ रहा है ये बंदा, तो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिनिक तो मैं बना नहीं सकता हूँ अभी। क्लिनिक के लिए मैंने यार एक काम, यहाँ पे रास्ता जोड़ा तो है, अच्छा हाँ ये रास्ता जोड़ा नहीं है ना, अभी काम करते हैं इस रास्ते को यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, तो क्लिनिक है यहाँ पे। अब यहाँ से लोग इधर भी आएंगे और यहाँ पे इस बंदे को ले जाएंगे, पहले क्लिनिक कहाँ है, क्लिनिक के पास चलो फटाफट से। ओ गाइस कंग्रेचुलेशन, हमारे यहाँ पे अचीवमेंट मिल चुके हैं, 800 लोगों की हमारी इम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, मतलब लोग यहाँ पे हमारी सिटी में रहने लग गए हैं और काफी सारी चीजें जो है अनलॉक हुई है, पुलिस स्टेशन, फायर हाउस और पावर यूज की, वाटर की, काफी सारी चीजें अनलॉक हो चुकी है यहाँ पे हमारी अब। और उसके बाद अनलॉक होने के बाद काफी सारा हमें पैसा भी मिल चुका है, और यहाँ डिमांड फिर बढ़ने लग गई है रेसिडेंशियल एरिया की, तो यहाँ पे अच्छा डिमांड बढ़ गई, डिमांड डिमांड डिमांड। एक काम करते हैं पहले फटाफट से होने देते हैं सुबह, जैसी सुबह हो जाएगी वैसी फिर हम यहाँ पे और रेसिडेंशियल एरिया बना देंगे। तो गाइस फाइनली नहीं सुबह हो चुकी है यहाँ पे हमारी, ओ ये मस्त शॉप लग रही है, कितनी बढ़िया शॉप है, क्या है स्टोर है, काफी खतरनाक स्टोर है, मस्त सा यहाँ पे बन रहा बढ़िया, ओहो काफी सारे लोग, और यार इन लोगों की बिजली की समस्या भी गई क्यों नहीं, ओके इन लोगों को अभी बिजली नहीं मिल रही है, एक काम करते हैं यहाँ से, पर यार इन लोगों के फिर घर उड़ जाएंगे अगर मैं यहाँ से ऐसे लेके जाऊंगा तो, फिर यहाँ पे रोड खराब हो जाएगी, इन लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जो बिजली यहाँ तक इतने एरिया में बिजली नहीं आ रही है, बस ये अब आएगी। अब इनके घर के पास ही मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है, पावर लाइन दे दी है कि इनके घर के पास ही, देखते हैं इनको बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है। एक मिनट, इसमें बिजली आ ही नहीं रही है मुझे लग रहा है। तो गाइस काफी चीजें अनलॉक तो हो रही हैं लेकिन इन लोगों को बिजली नहीं मिल रही है अभी, रुको पहले तुम लोगों को मैं बिजली तो दूं, और डिमांड तो बाद में दूर करेंगे। और ये यहाँ पे खंबा है इसको हटा देता हूँ मैं फटाफट से, और इन लोगों को, ओ काफी लोगों को बिजली मिलना बंद हो गई है। एक काम करते हैं ना यार, विंड टर्बाइन है यहाँ पे, ये लो विंड टर्बाइन ही लगा दी मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे, तो बिजली मिलनी चाहिए इन लोगों को। तो फाइनली दोस्तों इन लोगों को भी बिजली मिलनी चालू हो चुकी है, मैंने इनके घर के पास ही एकदम विंड टर्बाइन लगा दी है, और हमारी डिमांड बढ़ चुकी है रेजिडेंशियल जोन की, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे सुबह हो चुकी है और हमारी सिटी एकदम थोड़ा ऊपर से देखते हैं। तो गाइस देखो कुछ सिटी हमारी देखो कैसी मस्त सी लग, अच्छी सी नहीं बट ठीक ठाक सी लग ही रही है, और यहाँ पे मस्त गाड़ियां भी आ रही है। तो यहाँ पे आज का हमारा काफी बढ़िया बढ़िया काम हो चुका है, और कुछ 1140 लोग होने वाले हमारी सिटी में, और काफी बढ़िया बढ़िया घर भी बनने लगे हैं यहाँ पे। और देखते मैंने यहाँ पे कुछ एरिया को दुकानें तो बनाई है लेकिन अच्छा डिमांड है नहीं है ना, इसलिए उसकी दुकानें अभी बनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमारी इसकी डिमांड है ज्यादा, तो एक काम करता हूँ मैं इस जगह को यहाँ से हटा दो, ये भी हटा दो। चलो भाई तुम अब तुम भी अपनी दुकान यहाँ से बंद करो, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको रेसिडेंशियल एरिया घोषित, इसको भी रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे भी रेसिडेंशियल एरिया, और कहाँ कर सकते हैं हम रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और कहाँ पे है रेसिडेंशियल एरिया, हाँ यहाँ पे है ना। चलो भाई आओ यहाँ पे अपने छोटे छोटे घर बनाओ, यहाँ पे भी अपने अपने घर बनाओ, डिमांडे कम हो जाएगी फिर हमारी। और गाइस यहाँ पे एक चीज और हो गई, यहाँ पे क्या हो गया ये देखना पड़ेगा, ये क्राइम रेट, हमारे यहाँ क्राइम रेट बढ़ गया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज अनलॉक हुई थी जिसको कहते हैं कहाँ गया, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हम एक पुलिस डिपार्टमेंट बनाएंगे जो है हमारा कुछ 12,000 यूरोस का, शायद मैं सही बोल रहा हूँ यूरोस ही हूँ ये शायद, तो ये रहे हमारे 12,000 के यूरोस। और यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, एक को हम यहाँ लगा देते हैं 12-12, तो यहाँ पे एक पुलिस डिपार्टमेंट और एक पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे लगाएंगे जो इस एरिया को कवर करे। तो इस एरिया के लिए ये दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट, थोड़े से यहाँ के लोग गुस्सा हो जाएंगे कोई बात नहीं। तो हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट का काम भी हो चुका है, पुलिस आएगी चोरों को पकड़ के ले जाएगी यहाँ से। ओ इसको पानी नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं ले दोस्त, ये पानी ले तू, बिजली तो मिल रही है ना तुझे, हाँ बिजली मिल रही है। और यहाँ पे ये बीमार पड़ गया फिर से, एक मिनट मैंने हॉस्पिटल बनाए थे ना, कहाँ गया, तो कितने लोग, ओ 136 लोग बीमार है और हमारी कैपेसिटी सिर्फ 100 की है, और ये कितने का बनेगा, 10,000 का भी, हमारे पास 6,000 ही है। तो एक काम करते हैं, ओ नया अचीवमेंट हो चुकी है, 1200 लोग हो चुके हैं हमारी सिटी के अंदर, तब तो फिर हमको नया पैसा मिल जाएगा, और पैसा मिलने का मतलब डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट करेंगे हम अपने। और इसको हम बनाएंगे, एक काम करते हैं इसको ऐसे जगह पे बनाते हैं, ये लो लोग खुश, और कैपेसिटी हमारी हो चुकी है, आप देखते हैं कितनी कैपेसिटी हो चुकी है हमारी। हेल्थ केयर 100, अरे मैंने कुछ, ओहो इसको बनाना था, मैंने ये बना दिया।
फायर डिपार्टमेंट और एजुकेशन भी चाहिए लोगों को, लोग काफी एजुकेशन मांग रहे हैं, 150 लोग बीमार हो चुके हैं। एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं सबसे पहले हेल्थ केयर हम दे देते हैं। लो भाई हेल्थ केयर, तो कैपेसिटी कितनी हो गई हेल्थ केयर की हमारी, 200 की कैपेसिटी हो गई, 155 लोग बीमार हैं और यहाँ पे इनको बिजली मिलना फिर बंद हो गई है। और इसको हम कहाँ लगाएं एजुकेशन, हाँ ये एक काम करते हैं एजुकेशन को यहाँ लगाएंगे, बट अभी इसके लिए तो पैसा ही नहीं है हमारे पास। ये है हमारा हाई स्कूल, ये है हमारा प्राइमरी स्कूल और ये है हमारा शायद कॉलेज, नहीं प्राइमरी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी है, चलो लाइब्रेरी बाद में बनाएंगे, अभी उसके लिए पैसा नहीं है, पैसा आने दो थोड़ा सा। और यहाँ पे लोग बीमार हो गए, बीमारों की हेल्थ केयर सेफ्टी तो लोगों को मिलेगी, ठीक है। हेल्थ ईयर कितनी है, 200 लोग और 170 लोग कम से कम बीमार हो रखे हैं और बिजली मिलना कम हो चुकी है, वो प्रोडक्शन नहीं इतनी नहीं है, तो अरे मैं विंड टरबाइन भी तो नहीं लगा सकता, विंड टरबाइन के लिए हमें चाहिए कुछ 6000। ओके तो 6000 हमारे हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं एक विंड टरबाइन यहीं पे लो, एक विंड टरबाइन मैंने और लगा दी, अब इन लोगों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, हमारे इस सिटी में काफी लोग यहाँ रहने लग गए, लेकिन यहाँ लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो है अभी भी डिमांड बढ़ रही है रेसिडेंशियल एरिया की, लोग देखो अभी भी हेल्थ की कह रहा है लो है कैपेसिटी हमारी, 200 की कैपेसिटी है और 200 मतलब 300 लोग लगभग, तो हमारी हेल्थ केयर की जो कैपेसिटी है वो है कब लगभग 200 लोगों की और यहाँ पे लगभग 300 लोग आप मान सकते हो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा जिससे मैं थोड़ा ज्यादा लोन ले लेता हूँ, ताकि मैं लोन आ जाएगा तो मैं इन लोगों के लिए अपने यहाँ पे अस्पताल बना देता हूँ फटाफट से। तो एक काम करेंगे, ये है मेन रोड पे ही अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ऐसे ये ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लिनिक के लिए, ये लो हमारा क्लिनिक, एक क्लिनिक और दो क्लिनिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे पहले, तो लोगों के लिए जो है क्लिनिक हो जाएगा तो लोगों को बीमारी जो है कम होगी। तो क्लिनिक होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, कितनी कैपेसिटी होगी हमारी क्लिनिक की, अभी देखते हैं ये क्या चीज है, हाँ हेल्थ केयर क्लिनिक चालू और 300 लोगों की कैपेसिटी हो चुकी है, जो 400 लोग हो चुके हैं अब, ठीक है अब 400 लोग बीमार मतलब पड़ेंगे तो सही हो सकते हैं, और 300 लोग मैंने बोला था ना लगभग, देखो 300 लोग यहाँ बीमार हो चुके हैं। और एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा पास में क्लिनिक करते हैं, यहाँ लोगों के घर के पास एक क्लिनिक बनाते हैं लोगों के घर के पास, तो कहाँ पे बनाएं यहाँ पे बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये रहा हमारा हेल्थ केयर और ये रहा हमारा क्लिनिक। सॉरी दोस्तों, तुम लोगों को यहाँ से घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे क्लिनिक डालना पड़ेगा। चलो अब ये लोग जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे, और अब हमें जो है डिमांड बढ़ रही है और यहाँ पे कुछ नया अनलॉक हुआ है, ओ यहाँ पे हम काफी और अपनी जो है सिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सी ये वाली जगह खरीदें, ये वाली जगह खरीदें या कि ये वाली जगह खरीदें, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, तो इसको हम बाद में एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है रेसिडेंशियल एरिया की जो डिमांड है सबसे ज्यादा आ रही है, और मेरे पास अभी पैसा भी काफी सारा है। ओ इनको बिजली नहीं मिल रही क्या, बिजली कंज्यूमर, ओ बिजली तो इस दिन का है, यह है 19000 का, तो इसको अभी नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक एरिया बनाता हूँ और उसको कनेक्ट कर देंगे सीधा हाईवे से, तो फटाफट से गाइस मैं एक मस्त सा एरिया बनाता हूँ जहाँ पे रेसिडेंशियल लोग मतलब रह सके, तो फटाफट से एरिया बनाते हैं हम, ये रोड। देखो मैंने इतना बढ़िया सा मस्त एक रेसिडेंशियल एरिया बना दिया है, और काफी डिमांड हो रही थी जो रेसिडेंशियल एरिया की, देखो मस्त मैंने यहाँ पर टापों पे यहाँ से सीधी रोड आएगी मेन हाईवे से कनेक्ट होते हुए, यहाँ पे हमारी सिटी है, यहाँ पे काफी लोग जो है घर अबैंड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को बीमारी हो रही थी, तो अब लोग यहाँ पे ठीक है, तो उसको बिजली नहीं मिली, चलो बिजली भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा उसको भी अभी। और देखो मैंने यहाँ पे इनको भी बिजली मिलना कम हो चुकी है क्योंकि अभी बिजली की कैपेसिटी काफी ज्यादा हो चुकी है मतलब बढ़ने लग गई है पावर, और ये एरिया पूरा मैं बना दूंगा रेसिडेंशियल एरिया पूरा रहेगा यहाँ पे हमारा, और रेसिडेंशियल के साथ थोड़ा बहुत कमर्शियल भी बनाएंगे। तो उसके बाद ही हम यहाँ आते हैं, ये रहा रेसिडेंशियल, ये रहा हमारा कमर्शियल, तो एक काम करते हैं 1 2 3 ये बन गए हमारे रेसिडेंशियल, इसको भी ले लेते हैं ये लो, और नहीं इसको यहाँ रखते हैं ऐसे,
और उसके बाद ये है हमारा रेजिडेंशियल एरिया। तो इस सारा एरिया में रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी लोग आएंगे रहेंगे मस्त से यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये भी लो, यहाँ पे पूरे रेजिडेंशियल लोग रहेंगे और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पूरा यहाँ तक लोग ही लोग रहेंगे। तो अब लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देखते हैं कितनी देर में कितने सारे लोग यहाँ आते हैं और कितनी जल्दी मस्त से इन लोगों का घर बनता है और कितने हमारी डिमांड कितनी जल्दी कम भी होती है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पे लोग कब आते हैं, कब यहाँ पे रहने लगते हैं, देखते हैं फटाफट से। और उसके बाद हमारी जो है बिजली की समस्या काफ़ी हो चुकी है और पानी की तो समस्या है। बिजली की जो है अभी कैपेसिटी कितनी है, ओ बिजली यहाँ पे, और तो देखो गाइस लोग यहाँ घर बनने भी लग गए और यहाँ बिजली मिल भी रही है। 36 की प्रोडक्शन है और कंज्यूमर कैपेसिटी हमारी देखो मस्त। अब नया एरिया में रेजिडेंशियल एरिया देखो मस्त घर बनने लग गए यहाँ पे फटाफट से गाइस। ये घर बनते हैं उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन भी आ चुकी है हमारी, काफ़ी चीज़ें जो है अनलॉक हो चुकी हैं यहाँ पे हमारी। और हमारे अभी पैसे, और जो पैसे जो है माइनस में चल रहे हो तो चलेंगे ही। अभी मैं टैक्स बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी लोन भी पे करना है। तो टैक्स रेजिडेंशियल एरिया का टैक्स बढ़ा देंगे कम से कम 13% और कमर्शियल एरिया का भी 13-14% कर देता हूँ। तो इन लोगों का मैंने टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे और हमको पैसा देंगे ताकि हम यहाँ पे और लोगों के लिए रहने के लिए मस्त सा घर बना सके। और हाँ इनको सीवर पाइप के भी तो चाहिए, एक मिनट कहाँ गया पाइप 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 ड्रेनेज पाइप और ड्रेनेज ड्रेन 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 ये रहा। कितने का है, 2500 का। अरे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ ना सीधा पाइप को, ये लो ड्रेन करो। ड्रेनेज की भी समस्या हो गई ख़त्म इनकी। और हमारी डिमांड अभी लगभग काफ़ी कम हो चुकी है, काफ़ी से काफ़ी कम। तो फटाफट से इन लोग, ओ इनको बिजली नहीं मिल रही, हाँ अभी मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम लोगों को। बिजली बिजली कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक बिजली पहुँच पा रही है, यहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है। और यहाँ पर बिजली हमारी है, ओ बिजली की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी है हमारी और अभी हमारे पास पैसा भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा बिजली चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बजट बढ़ा दो। भाई बजट नहीं है हमारे पास, पहले पैसा दो तब मिलेंगी तुम लोगों को बिजली। और इसको पानी चाहिए, पानी तो मैं पहुँचा सकता हूँ दोस्त तेरे पास, ये ले पानी आ गया तेरे पास, पानी यहाँ पे भी पहुँचा देते हैं। पैसा दो बिजली के लिए, बिजली के जब ये लोग मुझे पैसा देंगे तभी इन लोगों को बिजली मिलेगी। और बिजली 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 के लिए हमें चाहिए ये, यहाँ से आ जाएगा बिजली के लिए। तो गाइस मुझे लगता कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक बिजली की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे घर अभी भी अबैंडन लग गए हैं, लोग यहाँ से जाने लग गए हैं, तो नया घर बनेगा यहाँ पे हमारा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, काफ़ी हेल्थ के लिए चीज़ें बनाई। अभी हम इन लोगों से पैसा कमाएंगे, जैसे पैसा कमाएंगे तो और भी नई चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो मैंने कितना बस एरिया बना दिया है इन लोगों के लिए, रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उबड़ खाबड़ सा हो गया, अच्छा सा नहीं लगा, लेकिन ये बढ़िया सा एरिया बन गया। यहाँ पे एक पहाड़ टाइप सा यहाँ पे लोग रहने के लिए मस्त घर बन गया। अभी तो लोगों ने कुछ ज़्यादा घर नहीं यहाँ पे नहीं बनाया, बट धीरे धीरे यहाँ पे लोग मस्त सा घर बनाएंगे। और आने वाली वीडियो में आपको और इस सिटी को हम और एक्सपेंड करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.